हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी ग्रिम कटी। ये एक हॉरर मूवी है जो कि काफ़ी अच्छे थीम पर बनाई गई है, जिसमें सेलफोन का जो यूज़ है वो किस तरीके से बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, पेरेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, और पेरेंट्स किस तरीके से एक पैरानोइया क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के अराउंड, इन सब चीज़ों का उसको दिखाया गया है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को देख कर, और अब मैं आपको शेयर करूँगी उसे, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं देन लाइक करके जाएगा। सो अबाउट द मूवी ग्रिम कटी, देखिए इस वीकेंड मैंने इस मूवी को देखा है और दिस वॉज अ टोटल टाइम वेस्ट फॉर मी। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप ही देखेगा, और ऐसा लग रहा था एक बढ़िया प्रॉमिसिंग हॉरर मूवी आने वाली है जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि आजकल सारे सब लोग बहुत ज़्यादा सेलफोन यूज़ करने लगे हैं, पार्ट बिल्कुल बन गया है लाइफ का। तो एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए पेरेंट्स और टीनेज बच्चों के बीच में, या बच्चों के बीच में, कि कितनी कितना देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, और कब वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने लग रहा है, और जिस तरीके से डिटॉक्स होता है, सेलफोन डिटॉक्स हो रहा है, और जब बाहर जा रहे हैं या कहीं तो इन सब चीज़ों को ना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स का भी एंगल दिखाया कि पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही हाइपर, जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, और एक पैरानोइया क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस मूवी में। मुझे बहुत अच्छा लगा था ट्रेलर कंसेप्ट, और जो मॉन्स्टर दिखाया जा रहा था ग्रिम कटी वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जब आप मूवी देखेंगे तो एकदम बढ़िया हॉरर माहौल बन जाएगा और बहुत सारे अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अलास ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे। जो मॉन्स्टर है यहाँ पर मुझे ग्रू की याद दिला रहा है, जो मिनियंस वाला ग्रू है, डिस्पेकेबल मी वाला, बस उसके दांत बहुत ज़्यादा दिखा दिए गए हैं, बाकी मुझे बिल्कुल भी अजीब लग रहा है वो मॉन्स्टर, और जो एक्टिंग है वो बहुत बेकार है। कहानी बिल्कुल सधी भी नहीं चल रही है, कुछ बंधा हुआ नहीं लग रहा है, और सब कुछ बहुत एब्रप्ट लग रहा है। तो मैंने इस मूवी को बिल्कुल एंजॉय की नहीं किया, और आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और इसे मत देखें। अगर आप चाहें, देखना चाहते हैं मेरे इस एक्सपीरियंस के बाद भी, देन यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट।